तो हेलो दोस्तों, इन त्योहारों के मौसम में आज सिमी की रसोई में क्या पकने वाला है, क्या बनने वाला टेस्टी टेस्टी सा रेसिपी, तो चलिए देखते हैं। और ये टेस्टी रेसिपी आप इन त्योहारों में कभी भी बनाइए और रख के काफ़ी दिन तक इसको खाइए। सबसे पहले हमने एक कटोरी मैदा ले लिया है, इसमें एक चुटकी नमक ले लिया है और अब इसके बाद इसमें एक चम्मच फुल घी डाल देंगे। देसी घी डाला है हमने, ये जमे फॉर्म में ही डालेंगे। तो अब इसके बाद घी को हम अच्छे से इस आटे में मिक्स कर लेंगे, मतलब कि मोयन लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने अच्छे से मोयन लगा लिया है इसका, अच्छे से हाथों से मसल मसल के एक बराबर से। और अब इसके बाद इसको हमको पानी डाल के आटा गूंथना है। तो इसको थोड़ा कड़े साइड में ही हमको आटा गूंथना है, जितना कड़ा हो सके उतना ही कड़ा ही गूंथिएगा इसको। और आगे मैं बताऊंगी इसके दो मेन टिप्स, जो कि अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो ये आपके मिठाई गड़बड़ हो जाएगी। तो ये देखिए सख्त सा आटा गूंथ के तैयार हो गया, तो इसको एक साइड रखते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। तो अब हम एक चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो हमने ये चीनी ले लिया है, ये बड़ी कटोरी थी मेरी, ये छोटी कटोरी से एक कटोरी चीनी और उसका आधा हिस्सा पानी डाल देंगे। तो अगर आपकी एक बड़ी कटोरी चीनी तो आधा कटोरी आप पानी डाल दीजिए और इसको बॉयल होने दीजिए जब तक चीनी हमारा गल ना जाए। तो ये देखिए चीनी हमारा गल चुका है अच्छे से। अब इसमें हल्का सा हम लौंग और छोटी इलायची कूट के डाल देंगे। ये देखिए मैं लौंग इलायची दोनों डालती हूँ क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो केवल बस इलायची डाल सकते हैं, बाद में ये सारी चीज़ें मैं छान दूंगी क्योंकि मोटा मोटा कूटा था तो इससे टेस्ट बड़ा ही अच्छा आता है। अब आगे एक पेस्ट बनाना है हमको। तो ये 2 चम्मच के करीब घी है और 2 ही चम्मच के करीब मैदा है। तो इन दोनों को मिक्स करके एक घोल बना लेना है, गाढ़ा सा, बिल्कुल बिल्कुल भी पानी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे इसमें, केवल ये घी और मैदा का घोल होने वाला है। तो ये देख लीजिए ये सारा आटा इसमें चला गया और अब इसका एक अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट बना के हम तैयार कर लेंगे। और इसमें लम्स वगैरह नहीं पड़ेगा क्योंकि घी है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये देखिए इसको मिक्स करके हम, और हाँ इसको हम इस टाइम पे मिक्स करने के बाद इसको हम फ्रिज में रख देंगे, वरना गर्मी है ये पिघलने लगेगा। तो इसको हम फ्रिज में रख देते हैं और बिल्कुल स्मूथ सा ये पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। अब इधर आटा भी हमारा नरम हो चुका है तो इसका हम सबसे पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे कड़ा आटा है तो पहले एक चिकना सा इसको डो के तरह मसल के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए डो तैयार हो चुका है। अब इसको हमको बराबर बराबर हिस्सों में बाट काट के बाट देना है। तो इस तरह से हम चाकू से इसको काट लेंगे। तो ये देखिए ये पीसेस में हमने काट लिया है और सारे पीसेस बराबर रखने हैं। तो एक ये छोटा लग रहा है तो इसको मैं सारे में मिक्स करके एक बराबर कर लूँगी। तो 6 पीस हमारा हुआ है, इतना सफिशियंट है। तो ये देखिए अब इसको गोल गोल लोइयाँ बना के हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए 6 लोइयाँ हमारी तैयार हो गई हैं। अब इसकी जितनी पतली हो सके उतनी पतली रोटी हमको बेलना है, बिना कोई सूखा आटा वगैरह लगाए ऐसे ही बेलना है। घी पड़ा है तो ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, आराम से बेल जाएगा। तो आपको जितना पतला हो सके उतना पतला बेलना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए सारी रोटियां बेल के हमने तैयार कर ली, जो देख सकते हैं पीछे प्लेट झलक रहा है कितनी पतली रोटी बनी है ये। तो अब देखते हैं आगे चलते हैं। तो सबसे पहले ये एक रोटी ले लेंगे और जो हमने आटा और घी का घोल बनाया था, मैदा का और घी का घोल बनाया था, तो इसको हम इसके ऊपर चारों तरफ बराबर से फैला लेंगे और इसके ऊपर एक और रोटी लगा लेंगे। इसी तरह वापस से फिर से हम घोल लगाएंगे और एक और रोटी डालेंगे। तो इसी तरह से बारी बारी घोल लगा के हम अपनी जो 6 रोटियां हमने बनाई थी वो एक के ऊपर एक रख लेंगे। सबसे लास्ट जो रोटी रखेंगे तो इसके ऊपर भी जो हमारा घोल बचेगा इसको भी इस तरह से लगा देंगे। ये देख लीजिए अब इसके बाद एक टाइट सा रोल बनाना है हमको, इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह बनाना है। तो इसको हमने रोल बना लिया। और मैं जो टिप्स की बात बोल रही थी, तो हम अगर आटा नहीं कड़ा गूंथेंगे तो ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी, ये हमारा रोल बिल्कुल गीला गीला हो जाएगा और आपके मिठाई बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए मैंने बोला था कि आटा बिल्कुल कड़ा रखेंगे। अब इस तरह से रोल बना के इसको पहले हाफ में हम कट कर लेंगे और इसकी पीसेस जितने हो सके उतने पीसेस हम, आप देख सकते हैं कितने से लेयर्स इसमें दिख रहे हैं। तो इस तरह से पीसेस कट के तैयार कर लेंगे, ये देख लीजिए। तो अब चलिए सारे पीसेस हम काट के तैयार कर लेते हैं। अब हमको बेलना कैसे है इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी है।
तो ये इस तरह से देख सकते हैं आप कि किस तरह से हमको दबा के पहले चपटा करना है। बिल्कुल गोल वाले साइड से बिल्कुल नहीं बोलेंगे, वरना हमारा ये मिठाई बनेगा ही नहीं, ख़राब हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि इसमें लेयर्स हैं। और लेयर्स हम इसलिए बनाएंगे किसकी वजह से ये बहुत ही खस्ता बनेंगे, बहुत ही खस्ता बनेंगे। तब इस तरह से एक लंबा सा पूड़ी की तरह, जैसे हम बनाते हैं समोसे का बनाते हैं ना, उस तरीके से लंबा सा पूड़ी की तरह बेल लेंगे। तो ये देखिए हमने बेल लिया है। और अब इसके बाद चाकू से इसको आप जितना पतला स्ट्राइप हो सके उतना पतला काट सकते हैं। तो मुझसे जितना कट रहा उतना मैं काट रही हूँ, आपसे अगर और पतला स्ट्राइप हो सकता है तो और पतला आप काटिए। जितना ही आप पतला स्ट्राइप रखेंगे उतना ही ये मिठाई हमारा खूबसूरत लगेगा। तो ये देखिए सारे स्ट्राइप्स हमने काट लिए हैं, ये देखिए। और अब इसके बाद हमको आगे क्या स्टेप करना है देख लीजिए। तो सारा ये काटने के बाद इसको हम हाथों से, बहुत ही हल्के हाथों से इस तरह से गोल गोल करेंगे। देख लीजिए किस तरह से कर रहे हैं, आपको ये देखना पड़ेगा, बताने से नहीं समझ में आएगा। तो ये देख लीजिए। और अब इसके दोनों साइडों को अच्छे से सील कर लेना है। तो ये पहली टिप्स तो मैंने आटा कड़ा वाली ही बताई थी, और दूसरी टिप्स ये है कि इसके किनारों को सील करना बहुत ज़रूरी है, वरना हम जब इसको फ्राई करेंगे ना तो ये खुल जाएंगे। तो ये किनारों को आपको सील करना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा ये मिठाई हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से सारे पीसेस हम बना के तैयार कर लेंगे। और अब इसके बाद इसको फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए बिल्कुल हल्का गर्म तेल ले लेंगे और लो फ्लेम पर ही इसको हमको सारा फ्राई करना है। तो ये पीसेस हमने डाल दिए हैं, और अब इसके बाद लो फ्लेम पर अल्टी पल्टी करते हुए दोनों तरफ से इसको हम फ्राई कर लेंगे। और मेन इसका है कि दोनों तरफ से हल्का हल्का हमेशा पलटते रहना है, तभी ये गोल्डन कलर का चारों तरफ से एक बराबर आएगा। तो फ्राई करने में सबसे ज़्यादा इसी बात का हमको ध्यान रखना है कि इसको हम अलटते पलटते रहेंगे, और बहुत ही सॉफ्ट हाथों से पलटेंगे तो बिल्कुल भी खुलेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए हमने इसको अलट पलट के अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो ये अब टाइम लगेगा, लगभग 7 से 8 मिनट लगेंगे एक बैच को फ्राई करने में। तो हम इसको पहले बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई कर लेते हैं। और ये मिठाई बहुत ही बिल्कुल, मतलब बहुत ही क्रंची और बहुत ही कुरकुरी बनेगी, जो हमने इस तरह से बना के लगाया था घोल और आटा घी का, इसकी वजह से। और ये देखिए चलाने अलट पलट के सेकने की वजह से कितना बराबर ये सिका है चारों तरफ से। तो अब हम इसको पैन से निकाल लेते हैं, और इसी तरह से सारे बाकी पीसेस को हम फ्राई कर लेंगे, और भी जो हमारे बचे हुए पीसेस हैं। और मेन आपको यही ध्यान रखना है कि बिल्कुल लो फ्लेम पर ही आपको करना है, और इसके किनारों को बिल्कुल अच्छे सील कर देना है। तो ये हमने चाशनी दूसरे बर्तन में ले ली है, और हल्का हल्का चाशनी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, और ये जो हमने फ्राई करके निकाला था ये भी थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। तो अब इसको अच्छे से इसमें डाल के 4 से 5 मिनट बस छोड़ना है हमको, ज़्यादा देर नहीं छोड़ना है। तो 4 से 5 मिनट के बाद इसके अंदर से हम मिठाइयों को अपने, ये देखिए, निकाल लेंगे। और अब इसके बाद ये इतनी टेस्टी सी मिठाई बनके तैयार हो चुकी है। देखने में लुक तो गजब इसका बना था,